नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली हलचल जो है वो बेस मेटल में है, जहां पर बाइंग है। निकेल 1.5% ऊपर है, 1300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेड 173 के ऊपर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे काउंटर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड $68 के करीब है, करीब 1% नीचे है। WTI क्रूड $64 के करीब है, करीब 1% की कमजोरी है। और MCX प्रभाव 4800 रुपये के नीचे है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें बुलियन मार्केट की, गोल्ड की और सिल्वर की, तो सोने चांदी का भाव रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, सीमित दायरे में है। और 46,700 रुपये के ऊपर है MCX पर सोना, चांदी 67,600 रुपये के करीब, और बिल्कुल रेंज का ट्रेड है। एग्री मार्केट में सरसों और सोया तेल में कमजोरी है। सोया तेल का वायदा 1380 रुपये के नीचे है, 1% टूटा है। सरसों वायदा 6900 रुपये तक फिसला है, 0.25% से ज़्यादा की कमजोरी। सोयाबीन, क्रूड पाम तेल भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ग्वार में कमजोरी है और ग्वार सीड का प्राइस 4050 के नीचे है, 1% टूटा है। ग्वारगम 6100 रुपये के करीब है। तो ये पांच खबरें इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की, जहां पर हलचल हो रही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं पांच ट्रेडिंग कॉल्स, जहां पर आपके लिए ट्रेड के कमाई के मौके बन सकते हैं। तो कॉपर की पहले बात कर लेते हैं। कॉपर में तरुण जी क्या करना चाहिए, क्या चूंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है कॉपर का प्राइस, अभी बाइंग करें या अवॉइड करें बाइंग? निकल का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और निकल में क्या करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी बाइंग का मौका बन रहा है? या सर्टेनली अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक के अंदर ही निकल के प्राइसेस 100 रुपए से ज्यादा उछले हैं और काफी डिलेड इसके अंदर रिएक्शन आया। और आज भी देखिए कि सबसे ज्यादा तेजी पर यही काउंटर चल रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अभी जो मोमेंटम है काफी ऑन है, तो नियर टर्म में फर्दर रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक इसको भी 1300-1305 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए। 1290 के स्टॉप लॉस के साथ नियर टर्म में मुझे लगता है 1330 तक प्राइस आएंगे। ठीक है, जिंक में भी आपको लगता है कि अभी बाइंग का मौका बना हुआ है, यहाँ पर भी बाइंग की जाए या यहाँ पर कुछ अलग राय है आपकी? सी, जिंक और लेड में काफी टाइम से रैली था और आई थिंक लास्ट 2-3 डेज के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद में आज फिर से रैली आते हुए हमने देखा है। जिंक में मैं बाय करना प्रेफर करूंगा, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। डिप्स आता है 231-230 के रेंजेस में, वहां पर बाय करना चाहिए। 229 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा ये काउंटर बुलिश रहेगा और शॉर्ट टर्म में लगता है 234-235 वंस अगेन इस काउंटर के अंदर देखे जाएंगे। ठीक है, लेड पर क्या व्यू है आपका, क्या लेड में भी आप बाइंग का मौका देख रहे हैं? आई थिंक ऑन है, बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पाइकिंग का जो माहौल है और लिक्विडिटी इतनी इंक्रीज हो रही है कि प्राइस वैसे ही फर्दर ड्राइव अच्छी तरीके से तेजी की तरफ हो जा रहे हैं। आई थिंक इसमें भी वेट करना चाहिए थोड़े से डिप्स का, नॉट एट अ करेंट मार्केट प्राइस बाय करना चाहिए। 171 के आसपास एक अच्छा बाय बनेगा, 169 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें, उसके नीचे स्लिप करेगा तभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अदरवाइज ये काउंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड लाइकली 176 तक प्राइस देखे जाए। ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और नेचुरल गैस में क्या लगता है आपको कि अभी शॉर्ट करके चला जाए, क्या सुझाव आपका? सी, 180 से 220 के ऊपर तक का जो डेड कैट बाउंस हमने देखा, आई थिंक वो विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजंस के था और आई थिंक कल जिस तरीके से प्राइस करेक्शन आया है ऐसा लगता है कि नियर टर्म टॉप बन चुका है। 219 के आसपास इस काउंटर को सेल करना चाहिए, 223 का स्टॉप लॉस प्लेस करें, हो सकता है कपल ऑफ डेज के अंदर 208 तक के प्राइस देखने को मिले।
ओके, तो ये पांच कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है किशोर का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए किशोर जी। पूछें किशोर, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आपने नेचुरल गैस में बिकवाली की कॉल दी है तरुण जी, तो क्रूड पर आपका व्यू क्या है? क्या क्रूड भी अभी बेचकर ही चला जाए या यहाँ पर कुछ तेजी की संभावना आपको दिख रही है? सी क्रूड काफी स्टेबलाइज है इन दिनों। हमने देखा है लास्ट 15 डेज के अंदर 60 डॉलर के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ग्रेजुअली इसके अंदर रैली भी आया है। आई थिंक अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है कल इवनिंग सेशन में जो देखने को मिला था वो हो सकता है कि आज कंटिन्यू हो जाए, लेकिन कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। MCX में मुझे लगता है कि 4600 एक अच्छा बाइंग जोन होगा, 4800 4850 सप्लाई जोन होगा। कल भी 4850 के आसपास से ही सेलिंग देखने को मिला है। इवन $65 $66 एक सप्लाई जोन बना रहेगा नाइमेक्स के अंदर, और प्राइस आई थिंक 60 से $66 के बीच में नाइमेक्स में भी रहेंगे। आई थिंक अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है 3-4 रुपये की 30-40 रुपये की गिरावट आ सकती है, बट आई एम नॉट गंगो ऑन सेलिंग साइड। ठीक है, अगला सवाल है विकास का। पूछिए विकास जी। हाँ मृत्युंजय, मृत्युंजय सर नमस्ते। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार, पूछे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा, शायद ने एक दिन जी सुन रहा हूँ, पूछिए। हाँ मृत्युंजय जी, मेरा कहना कैसा है, सोयाबीन एक दिन बढ़ा एक दिन रिवर्स आ रहा। हेलो, ये सवाल तो मैं भी बार बार पूछ रहा हूँ। जो सवाल आप पूछ रहे हैं यही सवाल मैं भी अपने एक्सपर्ट से बार बार पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि सोयाबीन में एक दिन तेजी एक दिन गिरावट। तो हालांकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना होता है कि फंडामेंटल में तो अचानक रातों रात कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन मार्केट में उठापटक है और इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने चिंता जाहिर की है। तरुण जी आप बताएं। सी देखिए, अभी जिस तरीके से स्टेट वाइज लॉकडाउन हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से, कहीं ना कहीं है ना थोड़ा सा फियर का फैक्टर है, जिसकी वजह से एग्री कमोडिटीज जो कि बहुत ज्यादा रैली कर चुकी थी, कहीं ना कहीं लोग अपना पोजीशन रिड्यूस करके कैश में बैठना प्रेफर कर रहे हैं ऑन अ सेफर साइड। यही कारण है कि हमने देखा कि सर्टेन एग्री कमोडिटीज के अंदर काफी ज्यादा वोपिंग बोथ साइड के मूव्स हो रहे हैं। आई थिंक अभी लो लिक्विडिटी ट्रेड्स करने चाहिए एग्री काउंटर के अंदर, क्योंकि तो अभी लॉकडाउन सिचुएशन अभी फर्दर कैसा निकल के आता है स्टेट वाइज, डेट विल ड्राइव डोमेस्टिक प्राइसेस फर्दर। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा आपका व्यू मैं जानना चाहूंगा तरुण जी, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? सी इंटरनेशनल मार्केट में प्योर रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है गोल्ड के अंदर, $1760 पर अच्छा सपोर्ट प्राइस ने लिया, आसपास अच्छा रेजिस्टेंस है। आई थिंक अभी भी प्राइस कल भी करेक्शन में देखा कि $1760 के नीचे सस्टेन नहीं किया और अभी उसके आसपास प्राइस चल रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में ₹1,000 का करेक्शन आया है रुपी के अप्रिसिएशन की वजह से, बट हमारा वैसा मानना है कि जब तक कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर गोल्ड के प्राइस क्लोज नहीं देते हैं, गोल्ड के प्राइस क्लोज नहीं देते जब तक कि 1760 कॉमेक्स में और डोमेस्टिक मार्केट में 47,400, तब तक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फर्दर इस काउंटर के अंदर रैली देखने को मिलेगी। आज की बात किया जाए तो हो सकता है 200-250 रुपये का रैली देखने को मिले, बट नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एडवाइस आपके लिए, जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं ट्रेड लें, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तरुण जी।